और लगभग 9 साल भट्टा में काम किया और इस तरह मुंशी का काम किया करता था। 2000-2500 से स्टार्ट किया था, 4500 बढ़ के गया था 9 साल के दरमियान। और जब भट्टा भी होता था 6 महीना चलता था, 6 महीना बंद, तो उस बीच में करता क्या था, भट्टा बंद हुआ तो मुर्गी काट काट के बेचता था, आरा मुर्गी, मजा था खाने में, आप लोगों को नहीं खिलाया हमने, चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से जिंदगी मेरा था, सोच के परेशान था कि क्या ऐसा काम करें कि मेरा जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव हो, क्योंकि हमारे दोस्त यार जितने भी थे सभी लोग हमसे बहुत आगे निकल चुके थे, मैं अकेला छूट गया था, अच्छा नहीं लगता था। और शायद ऊपर वाला का मेरी आवाज सुनाई पड़ा और एक दिन एक बहुत ही दूर के रिश्तेदार के साथ में हमारे अपनाई बिजनेस प्लान दिखाने के लिए हमारे घर आए थे। लेकिन शुरुआत जिस दिन आए थे और वो एक ही बात को बोले थे, बाबू क्या काम करते हो, हम बोले कि कुछ नहीं खेती बाड़ी भट्टा, तो बोले कि आपके लिए बहुत बढ़िया काम लाए हैं, तो बोले बताइए, तो बातें आज नहीं बताएंगे, समझ गए हम कि कुछ ना कुछ कंपनी होगा। और वो लोग 2 दिन के बाद आने की बात किए कि 2 दिन के बाद आते हैं और फिर चले गए। अगले 2 दिन के बाद, जस्ट 2 दिन के बाद वो लोग पुनः फिर हमारे घर आए और उस दिन मैं मटर रोपने के लिए खेत पे गया हुआ था, घर बनाने के लिए गया हुआ था और वहां से जब लौटा तो देखा गाड़ी बाहर में खड़ी थी। मैं तो पहले ही समझ चुका था कि कंपनी वाला है, कंपनी में मुझे काम नहीं करना है। अब जैसे गाड़ी देखा, घर से आके अपनी वाइफ से पूछा, कौन लोग है, किसका गाड़ी है, ये बताए कि वही लोग उस दिन आए थे, वही लोग है। हमने अपना जो कुदाल लेके गए थे उस कुदाल को कोने पे रखा और बोले कि किसी को मत बताना कि हम आए हैं और पीछे के गली से निकल गए, भाग गए और गांव में घूमते रहे, कभी इसके घर में, कभी उसके घर में, कभी इसके घर में। हम सोचे कि 9 बजे आ जाएंगे, 8 बजे आएंगे, तब तक ये लोग चला जाएगा। और जब 8-9 बज गया, सब लोग खाना खा के अपना सोने का इंतजाम करने लगा, तब फिर हमको वहां से अपना घर आए। जब घर आए तो देखे कि गाड़ी अभी भी खड़ी है, लोग गए नहीं है। और हम जैसे ही अपना घर पहुंचे, इधर से मेरा भाई भी पहुंचा, कृष्णा उरा उधर से, हम भी भागे हुए थे, ये भी भागा हुआ था, दोनों भाई। और जैसे ही बस वहां पर दोनों भाई मिले, दोनों भाई हम लोग आपस में डिस्कस करने लगे, का करा जाए रे भाई, मतलब फंसाइए के छोड़ो, पूरा परेशान थे दोनों भाई, का करे का नहीं करे। उसके बाद इतने पिताजी घर से बाहर आए और बोलने लगे, तू लोग एक नंबर का कैसा इंसान हो, तू लोग सब मिलने के लिए 4 बजे से लोग आया हुआ है, का है का नहीं है, मतलब बैठ के तो सुन तो लो, समझ तो लो। पिताजी के बाद अच्छा लगा और उनका बात हम लोग कभी ठुकराते नहीं थे, मना नहीं करते थे और उनके कहने पे, उनकी जिद करने पे प्राण देते।